जैकेट उतर चुका है, पसीना निकल चुका है, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। अगर स्टेप्स की बात करूं तो ऑलरेडी 950 स्टेप्स, मतलब ऑलमोस्ट 1000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट अभी तक आया नहीं और एलिवेशन है जो ख़त्म होने का नाम ले रहा नहीं है। दोस्तों, वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। आज करेंगे नेचर ट्रायल। आज हम जा रहे हैं पंचगनी के त्रिवेणी पॉइंट, जिसे गुरुघर नेचर ट्रायल भी कहते हैं। और दोस्तों, ये है पंचगनी में। एग्जैक्टली अगर लोकेशन की बात करूँ ना तो मैप्रो गार्डन के सामने है। मैप्रो गार्डन के सामने एक छोटा सा एंट्रेंस है जहाँ पे 25 रुपीज़ का एंट्रेंस आपको भरना है। आपका नाम, आपका नंबर यहाँ पे लिखना है और आप कहाँ से आए हो, और ये आपको अंदर की तरफ ले जाएगा, जो ये नेचर ट्रायल है। अगर पार्किंग की बात करूँ तो उधर मैप्रो के पास पार्किंग है जो बिल्कुल भी फ्री है। और यहाँ से अभी हमको जाना है ऊपर। कितने स्टेप्स है, कितना दूर है, क्या व्यू है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या मौसम है, ये सारी चीज़ हम दोनों साथ में मिलके एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। सो त्रिवेणी पॉइंट यार, गुरुघर नेचर ट्रायल पंचगनी, लेट्स गो फॉर इट। अभी मैं फ़िलहाल हूँ 9300 स्टेप्स पे। देखते हैं जब तक मैं ऊपर पहुँचता हूँ तो कितने स्टेप्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद ये है जामुन का झाड़ जो रूखा सूखा सा लग रहा है। और मुझको बोला गया है, वहाँ के वॉचमैन ने मुझको बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब है आई थिंक 1100 से 1200 स्टेप्स। एग्जैक्टली देखेंगे कितने स्टेप्स है। और ये जो स्टार्टिंग इम्प्रेशन है ना, ये बता रहा है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। फिज़िकली डिमांडिंग डेफिनेटली रहेगा ये। देखते आगे और कितने कितने चैलेंजेस है। बहुत चैलेंजेस फेस कर चुके टपोला में, पंचगनी में, महाबलेश्वर में, तो ये भी फेस कर लेंगे। और दोस्तों, अगर मौसम की बात करूं तो वैसे अभी आपको धूप दिख रही है, लेकिन बहुत टाइम के बाद ये धूप एक्चुअली आई है। मौसम क्लाउडी है, ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। जैकेट पहनने के बाद गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब ठंडी है हवा में, फिर भी अच्छा लग रहा है। जैकेट पहनने के बाद प्लेजेंट है। दोस्तों, इसका नाम जो गुरुघर नेचर ट्रायल है ना, परफेक्ट है। यहाँ पे आप देखो ना, एक्चुअली आपको लगेगा कि आप जंगल के बीच में ट्रैकिंग कर रहे हो। दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट, झाड़ और बहुत सारे झाड़ और बहुत घने झाड़, और सीधा रास्ता। रास्ता तो बना हुआ है पर पत्थर फिर भी बहुत है। एक प्रॉपर और अच्छे जूते होना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन अगर सामने देखो ना तो फिर से एलिवेशन, जब से शुरू हुआ है ना ये, तब से एलिवेशन ही है। स्टेप्स की बात करूँ तो 450 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, मतलब लगभग 500 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। वेदर भले ही प्लेजेंट है, लेकिन अब इस ट्रायल की वजह से पसीना निकलना थोड़ा सा शुरू हो गया है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की दोस्तों, जगह जगह पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से आप थोड़ा दूर जाके बैठ सकते हो, और बैठने के लिए भी जो सीट्स है वो अच्छी है। और ये 500 स्टेप्स में मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। एक नीचे 250 स्टेप्स के आसपास था और अभी 500 स्टेप्स के आसपास यहाँ पे और यहाँ पे। तो मतलब अगर आपको यहाँ ये नेचर का मज़ा लेना है और ऑल द वे ऊपर तक नहीं जाना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चल के बैठ भी सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे यहाँ पे पब्लिक है नहीं अभी तक तो, फिलहाल ना कोई आगे दिखा है ना कोई पीछे। ऊपर भी पता नहीं कोई होगा नहीं होगा, ये नहीं पता। वैसे सनसेट अभी बहुत दूर है, हालांकि छांव इतनी है कि मज़ा आ रहा है। हालांकि ये ट्रैकिंग की वजह से हल्का सा पसीना निकलना ज़रूर शुरू हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा है, प्लेजेंट है और वर्थ है। मैप्रो गार्डन आओ तो यहाँ पे ये नेचर ट्रायल करना वर्थ है, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा फिज़िकली डिमांडिंग ज़रूर है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो इशू सॉल्व है
वो इशू से आपको कोई इशू नहीं है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। सीधा 25 रुपए की टिकट काटो और चलते जाओ। और यहाँ पे कुछ बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन है, दिखाता हूँ आपको। त्रिवेणी पॉइंट यहाँ पे आगे, ये बोल रहा है कि वो सारे जानवर है इधर, आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो ज़रा संभालना। फिर से एलिवेशन, ठीक है चढ़ जाते हैं। लेकिन एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, शायद आपके काम आ जाए। ये जो ये ब्रिक है ना, उस ब्रिक को फॉलो करते करते आप चलोगे ना, तो आपका जो सोल है ना, आपका जो बेस ऑफ लेग है, वो थोड़ा आपको सुकून मिलेगा। यहाँ पे पत्थरों पे चलोगे तो नीचे से चुभेगा, लेकिन ये ब्रिक पे चलते जाओगे ना, फॉलो करते जाओगे, तो रिलेटिवली पीसफुल रहेगा आपका ये ट्रैक। देखिए फिर से बैठने के लिए, और यस आई थिंक, क्या पता वो लोग ने गिन के रखा है 750 स्टेप्स। पहला सीट मुझे मिला 250 पे, दूसरा 500 पे, और तीसरा 750 पे, और ये एलिवेशन है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन जितना ये एलिवेट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से व्यू उतना ही अच्छा होगा। देखते इतनी मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है। जैकेट उतर चुका है, पसीना निकल चुका है, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। अगर स्टेप्स की बात करूं तो ऑलरेडी 950 स्टेप्स, मतलब ऑलमोस्ट 1000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट अभी तक आया नहीं, और एलिवेशन है जो ख़त्म होने का नाम ले रहा नहीं है। इतने टाइम के बाद पहला व्यू कुछ दिखा, तो दिख रहा है सिर्फ फॉरेस्ट। अभी नीचे भी उतरना है, ये नीचे उतारेंगे तो फिर चढ़ाएंगे यार। एक बारी जितना चढ़ाना है चढ़ा लूँ। ओहो हो हो, सीधा सीधा प्लेन प्लेन। दोस्तों फाइनली 1200 स्टेप्स चलने के बाद और बहुत थक जाने के बाद, ये अपना एक आखिरी एलिवेशन आया, और वो सामने हमें अपना पॉइंट दिख रहा है। इस तरफ देखो तो पता नहीं अजीबोगरीब बड़े बड़े पत्थर है, और इस तरफ से हम आए, और फाइनली ये आखिरी स्टेयरकेस, होपफुली हमको चढ़ना है और हम पहुंच जाएंगे त्रिवेणी पॉइंट के व्यू पे। देखते हैं कितना खूबसूरत है, इसका खूबसूरत रहना बनता है क्योंकि बहुत मेहनत की है। पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। ओहो हो, ये देखिए, उस तरफ नीचे से हम आए हैं। दूर कहीं गांव दिख रहा है, उसके अलावा तो हर जगह सिर्फ घने झाड़ दिख रहे हैं। वो साइड एक तरह के झाड़ है जो एकदम अलग ही लग रहा है, शायद वो सिल्वर ओक झाड़ जो यूजुअली पंचगनी में होते, शायद वो है, पता नहीं। और कहते हैं अगर वो है तो सिल्वर ओक नाम के जो झाड़ है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और इसी का रीज़न है जिसके वजह से पंचगनी इतना ठंडा है। व्यू तो टोटली वर्थ है। और दोस्तों सिर्फ 1200 स्टेप्स चलना है, दो फिजिकली डिमांडिंग है, लेकिन वर्थ है, अच्छा है, मज़ा आया मुझे बहुत। और यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, ऐसा व्यू मुझे कनॉट पीक पे मिला था। यूजुअली आप जितने भी पॉइंट्स चले जाओ, महाबलेश्वर में, पंचगनी में, आपको वैली व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन सॉरी लेकिन दो जगह है जहाँ मुझे पूरा फॉरेस्ट दिखा, एक है कनॉट पीक और दूसरा है ये त्रिवेणी पॉइंट। टोटली वर्थ इट,
1200 स्टेप्स टोटली वर्थ इट। आप क्या बोलते हो दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना ही था, व्यूज आपको दिखाऊंगा जाते जाते, लेकिन आप अपनी राय, अपने ओपिनियन, अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाते जाते एक पूरा 360 डिग्री आपको व्यू दे देता हूँ, फिर गुड बाय। काले बादल।